हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। तो हम फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ, और आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है जिग्सॉ, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी, जिसे द स्पीरिंग ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है। वैसे आप सभी ने सॉ मूवी सीरीज जरूर देखी होगी, और जिग्सॉ भी सॉ मूवी का ही 8th पार्ट है, लेकिन ये सॉ मूवी सीरीज की तरह बाकी मूवीज से कनेक्टेड नहीं है। बट इसमें सस्पेंस और थ्रिलर की भी कोई कमी नहीं है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारा कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस नहीं कर पाए। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पुलिस से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, और पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए लगातार उसका पीछा कर रही थी। वो आदमी भागते भागते एक बिल्डिंग की छत पर आ जाता है, और पुलिस उसे वहाँ घेर लेती है। इस आदमी का नाम एडगार था, और उसके हाथ में एक रिमोट होता है, और वह ये कह रहा था कि उसके पास सिर्फ 17 मिनट है, और उसे ऑफिसर हेलोरन चाहिए था, नहीं तो वो रिमोट का बटन दबा देगा। और ऑफिसर हेलोरन तुरंत डिटेक्टिव हंट के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और एडगार से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर वो जवाब देता है कि उसे हेलोरान को मारना है, और ऐसा नहीं करने पर एडगार मारा जाएगा। लेकिन हेलोरान एडगार पर बंदूक तान देता है, और बाकी के ऑफिसर से कहता है कि निशाना उस रिमोट पर लगाए, न कि एडगार पर। और रिमोट को शूट करने के कुछ ही सेकंड पहले एडगार रिमोट का बटन दबा देता है, और एक बुलेट एडगार के शरीर में लगती है, जिससे कि वो घायल हो जाता है, और इसी के साथ गेम भी स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि एक खाली कमरे में 5 लोग बेहोश पड़े हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में थे। और जब इन्हें होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि उनका चेहरा एक मेटल मास्क से कवर्ड है, जो कि एक चेन से होता हुआ सामने बने गेट से कनेक्टेड है, जिस पर कि धारदार ब्लेड्स लगे हैं। तभी उस रूम में लगे एक स्पीकर से आवाज़ आती है, जिसमें एक व्यक्ति काफ़ी डरावनी आवाज़ में बोलता है कि इन 5ों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गुनाह ज़रूर किए हैं, और इस गेम से बाहर आने का एक ही रास्ता है कि अपने गुनाह कबूल करके सिर्फ सच बोले। और सामने दरवाजे की ब्लेड्स गोल गोल घूमने लगती है, और उनके चेहरे पर बंधी चेन भी दरवाजे की तरफ खींचती जाती है, और स्पीकर से फिर आवाज़ आती है कि उन्हें अपने आप को आज़ाद करने के लिए कुछ खून की बूंदें कुर्बान करनी होगी। और सभी चेन के साथ साथ उस दरवाजे की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसमें कि तेज धार वाले ब्लेड घूम रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी बेहोश पड़ा था, और वो अपनी बेहोशी की हालत में ही खींचा जा रहा था। तभी एक लेडी को उस आदमी की बात याद आती है, जिसमें उसने उनका खून मांगा था, और वो लेडी अपना हाथ ब्लेड में दे देती है, जिससे कि उसके हाथ का थोड़ा सा मांस कट जाता है, और खून बहने के साथ साथ उसके चेहरे से वो मास्क भी हट जाता है। फिर वो सभी को ऐसा करने को बोलती है, और सभी अपना थोड़ा थोड़ा खून बहाकर वहां से बच जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी बेहोश पड़ा था, और जब तक उसे होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। इधर एडगार हॉस्पिटल में था, और गोली लगने की वजह से वो कोमा में चला जाता है। हेलोरान हंट को बताता है कि एडगार दरअसल छोटे मोटे क्राइम करता था, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और हम देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच उस आदमी की लाश मिलती है, जिसके चेहरे पर वो मेटल मास्क था। और जब डॉक्टर नेल्सन अपनी असिस्टेंट एलेनोर के साथ उसका मास्क हटाते हैं, तो उस आदमी का चेहरा आधा गायब था, और उसके गले की चमड़ी को जिग्सॉ पजल के आकार में निकाल लिया गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह जिग्सॉ किलर यानी कि जॉन क्रेमर का ही काम था। उन्हें उस लाश के अंदर से एक पेनड्राइव मिलती है, जिसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी, जो कि जॉन क्रेमर यानी कि जिग्सॉ किलर की थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जिग्सॉ तो 10 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग में वो ये कह रहा था कि अब सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। अब इधर बचे हुए 4 लोग एक दूसरे कमरे में आ जाते हैं, लेकिन उनके गले की चेन अभी भी बंधी हुई थी। इन 4ों का नाम था एमा, मिच, कार्ली और रायन। तभी वहाँ जिग्सॉ की फेवरेट डॉल आती है, जिस पर लिखा था कन्फेस यानी कि अपने गुनाह कबूल करना, और सभी के गले में बंधी चेन एक बार फिर खींचती चली जाती है, और सभी को धीरे धीरे अपने गुनाह याद आने लगते हैं। मिच कहता है कि उसने एक टीनेज लड़के को अपनी बाइक बेची थी, और वो उसके 10 मिनट बाद ही एक्सीडेंट में मारा गया था, लेकिन उसमें मिच की कोई गलती नहीं थी।
फिर एना कहती है कि उसने अपना बच्चा खो दिया था। दरअसल हुआ यह था कि उसका पति नींद में उसके बच्चे पर सो गया और वो दम घुटने से मारा गया। तभी मिच को जिक्सो डॉल के पास से एक टेप मिलती है, जिसे प्ले करने पर जिक्सो ये कहता है कि उन चारों में से एक व्यक्ति चोर है, जिसने एक बार एक औरत का पर्स चोरी किया था और वो औरत एक अस्थमा की पेशेंट थी जो कि सही समय पर पंप न मिलने के कारण मर गई और वो चोर उसे मरता हुआ वहां छोड़ आया। फिर जिक्सो आगे कहता है कि उसने उस चोर के शरीर में एक जहर इंजेक्ट किया है और उसके सामने तीन इंजेक्शन थे, जिसमें से एक में उस जहर का एंटीडोट था और दूसरे में सेलिन और तीसरे में एसिड था, जिससे कि उसकी जान तुरंत ही चली जाएगी। तभी कार्ली अपना क्राइम कन्फेस करती है और उसे एक इंजेक्शन चूज करना था और ऐसा नहीं करने पर सभी मारे जाते, जिससे डरकर रायन कार्ली को इंजेक्शन लगाने को कहता है जिस पर कुछ नंबर्स लिखे थे। कार्ली बताती है कि उसे उस पर्स से $3.53 मिले थे, लेकिन रायन उसके गले में तीनों ही इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि सबकी चेनें खुल जाती है और कार्ली का गला एसिड वाले इंजेक्शन के कारण जलने लगता है और कार्ली वहीं पर दम तोड़कर मर जाती है। सभी लोग देखते हैं कि इंजेक्शन पर बने नंबर्स असल में एक पासवर्ड है, जो कि पास में बने दरवाजे के लॉक का पासवर्ड हो सकता है, और जल्दी सभी के द्वारा वो दरवाजा खोल लिया जाता है। फिर सभी एक दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। एना ऑलरेडी कन्फेस कर चुकी थी, लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाती है कि उसके पति के किए की सजा उसे क्यों मिल रही है। और रायन भी कन्फेस करता है कि वो अपनी वाइफ को चीट करता था और बचपन से बुरे काम करता आ रहा है। तभी रायन को एक दरवाज़ा दिखाई देता है जिस पर कि नो एग्जिट लिखा हुआ था, और वह उस दरवाजे की तरफ बढ़ता जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और अंदर कई सारे मेटल वायर्स थे जो कि उसके पैर पर कसते जा रहे थे। फिर वहीं पास में जिक्सो की टेप भी थी, जिसे उठाकर मिच रायन को देता है और उसे प्ले करने पर जिक्सो कहता है कि उसने रूल तोड़ा है और उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इधर नेल्सन और एलेनोर उस बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे और उन्हें उस बॉडी से एक वायरस मिलता है जो कि सुअरों में पाया जाता है, जिस पर एलेनोर कहती है कि वो वायरस की लोकेशन का पता लगा सकती है। और तभी डॉक्टर नेल्सन को खबर मिलती है कि पुलिस को एक और बॉडी मिली है जो कि कार्ली की थी, और जब उसे एग्जामिन किया जाता है तो डॉक्टर नेल्सन कहता है कि इसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड दिया है। और ऑफिसर हेलोरन पूछता है कि उसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बारे में कैसे पता, जिस पर वो ये कहता है कि वो स्पेशल फोर्सेस में सर्विस करता था, जहाँ पर उसे तालिबान द्वारा किडनैप कर लिया गया और कई तरीके से टॉर्चर किया गया, और वहीं लोगों को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड दिया जाता था। इधर मिच और एना को एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई देता है जिसमें वो घुस जाते हैं, जो कि एक साइलो का था जिसमें फार्मर्स अपना अनाज स्टोर करके रखते थे। मिच और एना के अंदर जाने के बाद साइलो का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और वहाँ लगी टीवी में जिक्सो का वीडियो प्ले होता है, जिसके साथ साथ उस साइलो में ऊपर से अनाज गिरने लगता है, जिससे कि मिच और एना दबते चले जाते हैं। और जिक्सो वीडियो में कहता है कि उन्हें सिर्फ रायन ही बचा सकता है, उसके पास में एक लीवर है जिसे अगर वो खींच देगा तो एना और मिच बच जाएंगे, लेकिन उस लीवर के दबाने पर क्या होगा, इसके डर से रायन उस लीवर को नहीं दबाता, जिससे कि एना और मिच गले तक अनाज से दब जाते हैं और फिर ऊपर से धारदार चीजें उनके ऊपर गिरने लगती है, जिससे कि एना और मिच पर कई सारे घाव हो जाते हैं। और फाइनली रायन लीवर खींच देता है, जिससे होता ये है कि उसके पैर पर बंधे वायर इतने टाइट खींचते जाते हैं कि उसका पैर तीन टुकड़ों में कट जाता है, और एना मिच के साथ उस साइलो से बाहर आ जाती है। इधर लैब में हेलोरन नेल्सन के पास जाता है और उससे कहता है कि उसकी असिस्टेंट एलेनोर जिक्सो रूल्स नाम की वेबसाइट पर काफ़ी विजिट करती है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज था और उन्हें उस पर शक है। इधर लैब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्हें यह पता चलता है कि मरने वालों के नाखून से जो ब्लड के सैंपल मिले हैं वो पूरी तरीके से जॉन क्रेमर यानी कि जिक्सो किलर के खून से मैच हो रहे थे, और वॉइस रिकॉर्डिंग भी जिक्सो किलर की ही है, लेकिन उसके मरने के 10 साल बाद ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। फिर नेल्सन एक क्लब में एलेनोर को ये बताता है कि हेलोरन को उस पर शक है, और एलेनोर के साथ साथ नेल्सन भी शक के घेरे में आ सकता है। फिर एलेनोर नेल्सन को अपने स्टूडियो के बारे में बताती है और वो उसे वहाँ ले जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि डिटेक्टिव हंट उनका पीछा कर रहा है।
अपने स्टूडियो के अंदर एलेनोर नेल्सन को ये कहती है कि वो जिक्सो की बहुत बड़ी फैन है और उसके गेम के सारे किलिंग इक्विपमेंट्स उसने इकट्ठा किए हैं और यही उसकी हॉबी है। हम देखते हैं कि डिटेक्टिव हंट दोनों के फोटोज उन इक्विपमेंट्स के साथ ले रहा था जिससे कि उनका शक सच में बदल पाए। इधर गेम में मिच को फिर से एक टेप मिलती है जिसका प्ले बटन दबाने पर मिच रस्सी से उल्टा लटक जाता है और जिक्सो की रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है जिसमें वो ये कहता है कि मिच ने कन्फेस तो किया लेकिन आधा अधूरा। उसने जिस लड़के को अपनी बाइक बेची थी उसने उसे ये नहीं बताया था कि उस बाइक के ब्रेक्स टूटे हुए हैं जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो गया और मरने वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि जिक्सो का नेफ्यू यानी कि भतीजा था। मिच एक स्पाइरल ब्लेड के अंदर चला जाता है जो कि उसी की बाइक से कनेक्टेड थी और उसे रोकने के लिए उसका ब्रेक दबाना होगा जो कि ब्लेड के बिल्कुल एंड में था। एना मिच को बचाने की कोशिश करती है लेकिन मिच बच नहीं पाता और उसकी बॉडी कई पार्ट्स में कट जाती है। फिर सीन चेंज होकर हॉस्पिटल में आता है जहां पर एडगार एडमिट था लेकिन उसकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है और सारी पब्लिक और मीडिया पुलिस डिपार्टमेंट से जॉन क्रेमर यानी कि जिक्सो किलर के मरने का सबूत मांगती है जिस पर पुलिस पूरी मीडिया के सामने जिक्सो की कब्र खुदवाती है और उसकी कब्र में से जिक्सो की बॉडी की जगह एडगार की बॉडी मिलती है जिससे कि यह साबित हो रहा था कि जिक्सो किलर अभी भी जिंदा है और वो अभी भी लोगों को मार रहा है। फिर पुलिस फोर्स फोटोज के बेस पर एलेनोर को गिरफ्तार करने उसके स्टूडियो में जाती है जहां उन्हें एक कटी फटी बॉडी मिलती है जिस पर लिखा था कि गेम में अब सिर्फ दो ही लोग बचे हैं। और फिर डिटेक्टिव हंट नेल्सन को गिरफ्तार करने चला जाता है क्योंकि नेल्सन एलेनोर के स्टूडियो में दिखा था लेकिन नेल्सन हंट को कन्विंस करता है कि हेलोरान उसे फंसा रहा है क्योंकि हेलोरान ही मर्डर्स कर रहा है और हेलोरान ने ही एडगार को गोली मारी थी। और जब एडगार की बॉडी से बुलेट की जांच की जाती है तो वो हेलोरान की गन से बिल्कुल मैच कर जाती है और डिटेक्टिव हंट हेलोरान के घर जांच के लिए चला जाता है जहां उसके फ्रिज में से मरे हुए लोगों के स्किन के टुकड़े मिलते हैं जो कि पजल के शेप के थे। यहां से नेल्सन एलेनोर के पास जाता है और एलेनोर उससे कहती है कि उसे गेम वाली लोकेशन मिल गई है जो कि एक पुराना फार्म था और दोनों खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उस फार्म के लिए निकल जाते हैं। जहां पहुंचने पर नेल्सन एलेनोर पर शक करता है कि वही लोगों को मार रही है क्योंकि वह जिक्सो से इतनी इम्प्रेस थी कि उसी की कॉपी कर रही थी। लेकिन हेलोरान भी वहां पहुंच जाता है और अपनी गन नेल्सन की तरफ करता है और एलेनोर वहां से भाग जाती है। इधर एना और रायन को होश आता है और वो देखते हैं कि जिक्सो यानी कि जॉन क्रेमर भी वहीं मौजूद था जिसका मतलब साफ था कि वो अभी तक जिंदा है और लोगों को मार रहा है। और एना और रायन जिक्सो से अपनी जान की भीख मांगते हैं लेकिन जिक्सो उनसे कहता है कि दोनों की वजह से किसी न किसी ने अपनी जान गंवाई है और उन्होंने खुद को बचाने के लिए ये सच सभी से छुपाया। रायन की वजह से एक कार एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मौजूद उसका दोस्त मारा गया था लेकिन रायन ने सारा इल्जाम उसके दोस्त पर यह कहकर लगा दिया कि वो गलत ड्राइविंग कर रहा था। और एना का बच्चा मारा तो गया था लेकिन उसके पति की वजह से नहीं बल्कि एना ने ही उसका दम घोटकर उसे मार दिया था क्योंकि वो उस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी और उसने सारा इल्ज़ाम अपने पति पर लगा दिया जिससे कि उसके पति को जेल की सज़ा हो गई। लेकिन एना को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा और इसी वजह से आज दोनों यहाँ पर हैं। फिर जिक्सो किलर उन्हें एक मौत का गेम दे देता है। वो एक बंदूक में ये कहकर गोली डालता है कि यही उनकी आज़ादी की चाबी है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि उन्हें पीछे की तरफ देखना चाहिए। जिक्सो के जाने के बाद एना अपनी जान बचाने के लिए गन उठाती है और रायन की तरफ शूट करती है लेकिन गन उसी की तरफ फायर होती है और एना मारी जाती है। रायन को ध्यान आता है कि जिक्सो ने जाने से पहले ये कहा था कि उन्हें पीछे की तरफ देखना चाहिए और वो एना को कुछ बता पाता है इससे पहले एना ने फायर कर दिया और उस बुलेट की शेल में से दो टूटी फूटी चाबियाँ निकलती है। और जिक्सो ने यह भी कहा था कि इस बुलेट में उनकी आज़ादी की चाबी है लेकिन एना और रायन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अब रायन के लॉक की एकमात्र चाबी भी टूट चुकी थी जिसका मतलब यह था कि रायन भी अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। इधर हेलोरान के ऊपर एक बेहोश कर देने वाली गन से फायर होता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी गर्दन में कॉलर बंधी हुई है
और सेम चीज़ सामने नेल्सन के साथ भी हुई थी कि तभी जिक्सो की आवाज़ आती है और वो उन्हें कहता है कि उनके गले में लेज़र कटर बंधे हैं जो कि उनके मांस और हड्डियों को चुटकियों में काट देंगे और उन्हें भी बचने के लिए कन्फेस करना होगा जिसके लिए सिर्फ 60 सेकंड उन्हें मिलेंगे। और उनके सामने एक रिमोट भी था जिसमें कि दो बटन थे। हेलोरन अपने जान बचाने के लिए उस रिमोट को उठाकर नेल्सन की तरफ वाला बटन दबा देता है जिससे कि नेल्सन का कॉलर एक्टिवेट हो जाता है और वो कन्फेस करता है कि उसने ही जॉन क्रेमर की एक्सरे रिपोर्ट लापरवाही से बदल दी थी जिसके कारण उसे कैंसर का पता नहीं चल पाया और जानलेवा लेजर बीम से नेल्सन का गला कट जाता है और वो भी मर जाता है। अब बारी थी हेलोरन की। वो ये कन्फेस करता है कि उसने रिश्वत लेकर कई लोगों को छोड़ दिया और उनकी जगह कई मासूम लोगों को जेल में डाल दिया। हेलोरन के कन्फेशन के बाद उसके कॉलर का लॉक खुल जाता है और उसे ये लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी सामने मरा पड़ा नेल्सन उठकर खड़ा हो जाता है और हेलोरन का कन्फेशन प्ले करता है जिसमें कि वो अपना जुर्म कबूल कर रहा था। और यहीं से खुलते हैं मूवी के असली राज। दरअसल जिक्सो किलर जिंदा नहीं हुआ था, वो तो 10 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन जो गेम हम मूवी की स्टार्टिंग से देख रहे थे जिसमें कि एना और बाकी के लोग फंसे थे, वो गेम भी आज नहीं बल्कि 10 साल पहले खेला गया था जिसमें कि बेहोश पड़ा हुआ आदमी नेल्सन था। उसने जिक्सो की एक्सरे रिपोर्ट बदल दी थी और इसी की वजह से जिक्सो ने उसे गेम में रखा था, लेकिन जिक्सो उसे मरने से पहले बचा लेता है और नेल्सन की पीठ पर जो भी निशान थे वो उसी ब्लेड्स के थे जो कि जिक्सो के गेम में लगी हुई थी। अब मूवी में हमने जो भी गेम देखा था वो 10 साल पहले जिक्सो ने एना, मिच और बाकी के लोगों के साथ खेला था और ऐसा ही गेम नेल्सन ने प्रेजेंट टाइमलाइन में बनाया, बिल्कुल वैसा गेम जैसा कि जिक्सो ने बनाया था। और जो लाशें मिल रही थी वो किसी और लोगों की थी। नेल्सन ने जिक्सो की आवाज़ को एडिट किया ताकि सबको लगे कि जिक्सो ही सब कुछ कर रहा है। नेल्सन हेलोरन को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि एडगार ने नेल्सन की वाइफ को मारा था और हेलोरन ने रिश्वत लेकर उसे जाने दिया। और मूवी की स्टार्टिंग में एडगार के पेट में जो गोली लगी थी उसे नेल्सन ने ही चलाया था जिसे कि बाद में नेल्सन ने बदल दिया। जिक्सो के 10 साल पहले वाले गेम में 5 लोग थे, लेकिन नेल्सन के गेम में सिर्फ 3 और बाकी के 2 लोग हेलोरन और नेल्सन खुद था। और ये सारी बातें बताकर नेल्सन रिमोट का बटन दबा देता है जिससे कि हेलोरन के गले में लगी लेजर कटर एक्टिवेट हो जाती है और हेलोरन का चेहरा मक्खन की तरह लेजर से कट जाता है जिससे कि वो मर जाता है। और इसी के साथ जिक्सो मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आई नो कि आपके माइंड में कई सारे सवाल घूम रहे होंगे, तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि पूरी मूवी 2 टाइमलाइन में चल रही थी। एक प्रेजेंट टाइमलाइन में जिसमें कि नेल्सन लोगों का खून कर रहा था और हमें सिर्फ उनकी बॉडीज दिखाई दे रही थी, और दूसरी टाइमलाइन 10 साल पहले वाली थी जब जिक्सो का गेम चल रहा था जिसमें कि नेल्सन भी था, लेकिन जिक्सो ने उसे छोड़ दिया। नेल्सन की वाइफ को एडगार ने मारा था और ऑफिसर हेलोरन ने उसे सजा दिलवाने के बजाय रिश्वत लेकर उसे छोड़ दिया जिसका बदला नेल्सन दोनों से ले लेता है। जिक्सो ऐसा गेम सेट करता है जिसमें कि जीतना लगभग इम्पॉसिबल रहता है और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनता है जो कि दूसरों की जान की परवाह नहीं करते। इसीलिए नेल्सन ने जिक्सो को कॉपी करके हूबहू वही गेम सेट किए जो कि जिक्सो ने किए थे। अगर हम एलेनोर की बात करें तो वो बस जिक्सो की एक फैन गर्ल थी और उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, इसीलिए उसे जाने दिया गया। और मैं ये भी मानता हूँ कि आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार जॉन क्रेमर यानी कि जिक्सो है कौन। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि अगर आपने 100 मूवी के सारे पार्ट देखे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, और नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि और भी वीडियोज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं।